नमस्कार, मैं राजकुमार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। आज के दिन की डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करें तो एक दुख भरी बात जो है, दुख भरी खबर हमें देखने को मिली। वो खबर क्या है, आप भी जानते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट डोडा में जगदीश चंद्र जी, जो कि जगदीश चेले के नाम से लोगों में जाने जाते थे, उन्होंने बहुत सारे जागरण जो है आपके घरों में भी करवाए होंगे। और डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करूं तो डोडा नगरी मंदिर से यात्रा निकलती थी जो कि कुल्हान शीएदार तक जाती थी, वो यात्रा भी वही निकाला करते थे। काफ़ी माने ताने चेले थे वो, और कुल्हान में भी जो जागरण लगा करता था उन्हीं के कारण जो है, जब ये यात्रा निकलती थी तो कुल्हान में जागरण लगाया जाता था। लेकिन आज की सबसे बड़ी और दुख की बात यह है कि आज एक्सीडेंट हुआ जिस हादसे में वो अपनी जान गंवा बैठे, और साथ ही में उनके साथ जो प्रिया शर्मा, डॉटर ऑफ पंचीराम, उम्र उनकी लगभग जो है 24 साल की थी, परसला प्रेमनगर के वो रहने वाले थे। मैंने आपको लाइव वीडियो में बताया था कि जो वो है इंजर्ड है, इंदिरा रोनाल्टो गाड़ी थी जो कि जगदीश चंद्र जी की अपनी गाड़ी थी। आपको गाड़ी का नंबर बता दूँ तो JK02AK5522 गाड़ी का नंबर था। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जगदीश चंद्र जी जो थे, जब अभी से 25 जून की बात करेंगे तो 25 जून को नगरी मंदिर से शीएदार के लिए जब यात्रा निकलती है तो जगदीश चंद्र जी की इंटरेक्शन हमारे साथ वहां पर हुई थी। तो उन्होंने हमारे साथ बातचीत करते हुए जो कहा था उसकी चंद लाइनें हम आपको सुनाते हैं। चेला जो है उनका नाम बड़ा फेमस है क्योंकि भजनों में भी आपने सुना होगा। अब शेदार के अगर शेदार आते हैं और शेदार के भजन सुनते हैं तो आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। इनसे बातचीत करेंगे। जगदीश जी, स्वागत है आपका द लोकल रिपोर्ट। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका चैनल आपके बहुत आभारी हैं कि आप हमारे साथ आए। हमें बहुत खुशी है, आइंदा भी ऐसे आप हमारे साथ चलते रहोगे। हमारी जो यात्राएं मिंदल भी जाती है 9 जून को, 25 जून को यहाँ आती, इसके बाद हमने मनमेहस जाना है, बासुकी नाग जाते, हमारा काम ही यात्रा उगाई। तो ये आप लोगों का सहयोग है हमारे साथ, तभी ये काम चलते हैं, नहीं तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। ये यात्रा जो है आप लोगों की है। तो आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से जगदीश चंद्र जी ने द लोकल रिपोर्ट के साथ बात की, आपने अच्छे से देखा और सुना। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर और दुखद खबर ये है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार, उनके परिजन और उनके चाहने वालों को भगवान जो है ये दुखद समाचार सहने की क्षमता बख्शे। तो आप यूं ही बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ।